सहन केली जाणार नाही, सहन केली जाणार नाही, मनसेची दादागिरी सहन केली जाणार नाही, निषेध असो निषेध असो, म्हणजे मनसे कार्यकर्त्यांच्या गुंड प्रवृत्तीचा निषेध असो, दादागिरी हटवा, अस्मिता हटवा, ऑफिस आहे सरकारी, दादागिरी तुमच्या घरी, मनसे इसके ऊपर कार्रवाई, सब अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगी, लीगल तरीके से कार्रवाई करेगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, बीते दो दिनों से वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत जो घटनाक्रम हो रहा है, आप लगातार खबरों की कवरेज में देख रहे हैं। इसी घटनाक्रम अंतर्गत वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एच नवगर माणिकपुर के सहायक आयुक्त के आदेश के ऊपर वहां के अतिक्रमण दस्ते ने जो मनसे के एजेंडे को निकाला, जिसके बाद में विवाद हुआ, मनसे के ठाणे पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश यादव आए, उन्होंने अपने स्टाइल में प्रभारी सहायक आयुक्त गिलसन गोंसालेस से बातचीत की और जो मामला हुआ वो सब सबने देखा। उसके बाद इस मामले पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया है कि ये पूरी घटना हुई, जिसमें कहीं ना कहीं प्रभारी सहायक आयुक्त गिलसन गोंसालेस ने अहंकार में आकर ये सब कुछ किया, क्योंकि आज भी कई पक्षों के बैनर शहर में लगे हुए हैं बिना इजाजत के, बिना परमिशन के। तो जाहिर सी बात है कि एक अकेले पक्ष को अगर आप टारगेट करते हो तो आपके ऊपर उंगलियां उठना वाजबी है। हालांकि मनसे ने जो स्टाइल, मनसे का अपना स्टाइल उसने यूज किया, कुछ माने में वो भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि देश के विरोध स्वरूप वो हुआ, अगर अहंकार में और द्वेष में वो कार्रवाई नहीं की जाती तो ऐसा ये मामला सामने आता ही नहीं। अब चोरी ऊपर से सीना चोरी, वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति नवगर माणिकपुर एच के प्रभारी सहायक आयुक्त ने इस तरह की कार्रवाई करके जहां चोरी की थी, तो वहीं ऊपर से सीना चोरी करते हुए अपने स्टाफ को इकट्ठा करके हाथों पे काले रिबन बांधकर मनसे पार्टी का निषेध किया। यह घटना कल सुबह हुई कि संविधान में हर एक को अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकता है और अपना निषेध प्रदर्शन कर सकता है। यहां तक तो ठीक है कि महानगर पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों ने हाथ पर काले रिबन बांधे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन महानगर पालिका कार्यालय से नीचे उतरकर नारेबाजी की गई, बकायदा मनसे का नाम लेकर निषेध जाहिर किया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है मानो महानगर पालिका कर्मचारी नहीं, किसी पार्टी विशेष के पदाधिकारी या कर्मचारी है जो एक पार्टी के खिलाफ इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। अब जब नारेबाजी हुई, मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं, उससे पहले ये भी बता दूं कि जो उस दिन हुआ, मनसे ने जो किया वो गलत था, तो उसकी रिट पर कंप्लेन दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। वो कंप्लेन क्यों दर्ज नहीं करवाई गई? हालांकि बाद में पुलिस स्टेशन को एक पत्र दिए जाने का वो पत्र भी सामने आया। अब मैं वापस आता हूं अपने मूल मुद्दे पर, जो इन्होंने निषेध प्रदर्शन किया काले पट्टी बांधकर, उसमें मनसे का नाम लिया, मनसे निषेध हाय हाय ऐसा कुछ जो भी बोला वो हुआ, तो क्या किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को उनके ड्यूटी पर रहते ये सब किए जाने की परमिशन है?
मुख्य वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त ने इनको लिखित में परमिशन दी थी। क्या इस तरह से घोषणाबाजी करना शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं है? और सबसे अहम बात, सब पब्लिक का काम छोड़कर सड़क पर उतरना कहां तक जायज है? और तो और यहां तक हुआ कि महानगर पालिका कार्यालय में पत्रकारों को बुलाकर बकायदा वहां पर इन अधिकारी कर्मचारी के द्वारा बयान दिया गया, जहां पब्लिक की समस्या को ले जाकर इनसे कुछ बयान इनका लेने जाए, पब्लिक की समस्या को लेकर कि पब्लिक की यह समस्या है, आपका क्या कहना है, तो अधिकारी फटक से झड़क देंगे कि हमको ऑथोरिटी नहीं है, परमिशन नहीं है, हम कैमरे के सामने बोल नहीं सकते। तो यहां कैसे यह सवाल बड़ा है। अब यही सवाल कहीं ना कहीं इन अधिकारी कर्मचारी की गले की हड्डी भी बनता जा रहा है, क्योंकि यह सवाल मुखरता से उठा रही है मनसे। महानगर पालिका मुख्यालय में आज मनसे का इतना बड़ा मोर्चा था, 7 घंटे तक मनसे पालगढ़ थाने जिलाध्यक्ष अविनाश यादव खुद महानगर पालिका कार्यालय में बैठे थे। उसके बाद महानगर पालिका ने जो प्रभारी सहायक आयुक्त गिलसन गोंसाली से उनको वहां से हटा दिया और फिलहाल मुख्यालय में बुलाया हुआ है। लेकिन तब भी जाते जाते मनसे पदाधिकारियों ने यह कहा कि इस तरह से इन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया, वो विरोध प्रदर्शन कहां तक सही है और इसकी शिकायत की जाएगी, और हर एक अधिकारी कर्मचारी जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ उसकी शिकायत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मैंने पहले कहा कि चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली जो बात है, उसमें अब आगे मुद्दा कहां जाकर रुकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को यह बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि वह एक कर्मचारी है, लोक सेवक है, न कि किसी पार्टी का प्रवक्ता है, न किसी पार्टी का पदाधिकारी है। देखते हैं आगे क्या होगा इस मामले में। प्रवीण भोईर जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं वसई विरार महानगर पालिका के, उन्होंने एक छोटी सी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए उनका क्या कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। प्रवीण सर क्या कहेंगे कल वसईरा महानगर पालिका अंतर्गत प्रभाग समिति एच में जो हुआ मनसे पार्टी के खिलाफ, प्रभाग समिति एच के अधिकारी पदाधिकारी और प्रभाग समिति एच के अधिकारी एवं वहां के कर्मचारियों द्वारा घोषणाबाजी की गई, मनसे के खिलाफ नारेबाजी की गई, मनसे इस पे क्या एक्शन लेगी? मनसे इसके ऊपर कार्रवाई, सब अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगी, लीगल तरीके से कार्रवाई करेगी। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।